डाले डाले और पात पात श्री राधे राधे हो। बोली राधा रानी सरकार की, बोली श्री भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे। चलते हैं दो मिनट प्रभु के चरणों वंदना, मन और वाणी को पवित्र करते हुए ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते हुए बड़े वास चलेंगे, उसके बाद भगवान की पावन कथा प्रवेश करेंगे। मेरी मैया उपस्थित सभी श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस पवित्र धरा पर पलने वाली हमारी माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, प्रेम करने हुए बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परिचय जी महाराज एवं एक पति जी महाराज, मुझे थोड़ी ना बताई गया आपको, चलो कोई आप ना। आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए आज तीसरा दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और भगवान की कृपा से संयुक्त बड़े ही भाव से कथा को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आपने बड़ी ही सुंदर कथा को सुना था परिचय जी, कल आपने कौन सी कथा को सुना था बताइए।
धुंधकारी। अच्छा तुम्हारी नेटवर्क इशू हो जा तो मैया की तो परमानेंट चल रहा। बता देती धुंधकारी, सही तुमने कह दी धुंधकारी। और ये पैर सुकोड़ के मत बैठा करो, पंती मार के बैठा करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बैठ जाओ, लेकिन दोनों पैर मोड़ के नहीं बैठना चाहिए। दोनों पैर मोड़ के बैठने से घर में दरिद्रता आती है, याद रखना। हाँ, तो कल आपने कथा को सुना कि किस प्रकार से धुंधकारी जो था वो कितना बड़ा पापी था, दुष्ट था, और उस धुंधकारी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया था जो अच्छा किया हो। अधर्म ही अधर्म करता था, पाप करता था, माँ को मारा, पिता को मारा, सारे गलत काम किए। लेकिन जब धुंधकारी मरा और मरने के बाद में जब वो भूत बना, और धुंधकारी जब प्रेत बना, तब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तब धुंधकारी की मुक्ति हो गई। क्योंकि महाराज कहा जाता है ये कथा जो है, ये भागवत जो है, ये मुक्ति का साधन है। व्यक्ति अपने जीवन में कितने भी पाप करे, कितने भी अधर्म करे, और अंत में अगर वो भगवान की शरण में आ जाए, भगवान की कथा को सुन ले, तो उसके वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भी आप बड़ी ही सुंदर कथा को सुन रहे थे, महाभारत की कथा आपने सुना, किस प्रकार से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों बालकों को मारा, फिर अश्वत्थामा को द्रौपदी ने मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया। उत्तरा की तरफ से हुए राजा परीक्षित, वो कथा आपने सुनी, संक्षेप में हम आपको समझा रहे हैं राजा परीक्षित का कैसे जन्म हुआ, वो कथा सुनी, कैसे परीक्षित जी को श्राप लगा, वो कथा सुनी। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने कितने स्थान दिए, परीक्षित जी, अरे तो अब तुमने सुनी अभी कभी का मालो, अब उन्हें कोई देर नहीं भाई। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए कितने स्थान दिए थे, चार, कितने, चार, कौन कौन से, जहाँ शराब पी जाती होगी वहाँ कलयुग का वास, जहाँ जुआ खेला जाता होगा वहाँ कलयुग का वास, जहाँ मांस खाया जाता होगा वहाँ कलयुग का वास, जहाँ चरित्रहीनता पराई नारी की संगत बेईमानी का धन सोना चांदी आता होगा वहाँ कलयुग का वास। इन चार जगहों पर कलयुग का वास है। और सबसे अच्छी जगह कलयुग में, जब कलयुग को परीक्षित जी ने ये चार जगह दी कि तुम शराब जुआ मांस चरित्रहीनता इन जगहों पर रहोगे, तो कलयुग ने कहा नाथ जितनी गलत जगह थी तुमने सब रहने के लिए दे दी, अब कोई ऐसा स्थान दे दो कि मनुष्य जब कलयुग में आएंगे तो मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। तब परीक्षित जी ने कहा था उद्धार अगर मनुष्यों का कलयुग में होगा तो एक साधन होगा कि कलयुग में कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो एक बार भगवान का नाम ले लेगा तो कलयुग से पार हो जाएगा। और आजकल आप जानते हैं परीक्षित जी के कितना अधर्म हो रहा है, कितना पाप हो रहा है आज के जमाने में है? हाँ, आजकल कलयुग ऐसा है कि किसी को अच्छी बात बताओ तो बुरी लगती है, बुरी बात बताओ तो अच्छी लगती है। हाँ, आजकल लोगों से ये कहो भैया ऐसा नहीं ऐसा करो तो लोग ये कहते हैं तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि कम ही नहीं करती है, ऐसे उत्तर आते हैं महाराजा से, बातें सुनने को मिलती है। तो आज का जमाना जो है बड़ा विचित्र है, इंसान देखो महाराज एक दूसरे का भला नहीं चाह रहा है, बेजुबान जीवों को मार के खाता है, सारा दिन शराब पी करके नालियों में पड़ा रहता है, पराई नारी की संगत करता है। महाराज अपने घर में बीवी है, पत्नी है, लेकिन फिर भी दूसरों की तरफ देखना लोगों का काम बन गया है। बोले गोविंद भगवान की। एक विद्वान तो ये कहते हैं कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया
वक्त कहता है कि दूध जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर मार खाती वो गैया, भूचड़ खाने में माँ कट रही है और थाली में माँ बट रही है। और दशा क्या है? कुत्ता एसी में क्यों सो रहा?